रहली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास मार्ग पर सड़क क्रॉस करते समय एक वृद्ध को बचाने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली में भर्ती कराया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। रहली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास मार्ग पर वेयर हाउस के पास अचानक से एक वृद्ध को बचाने के चक्कर में वाहन पलट गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन घायलों को रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों को उचित इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। तो वहीं गोपाल भार्गव ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाने की बात कही। मंडलपुर के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें परिवार के लोग थे और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसको हमारे सभी सहयोगी साथी यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए। दुर्भाग्यवश उस दुर्घटना में एक 35 साल के युवा और एक छोटी 8-10 साल की बिटिया का निधन हुआ है और दो लोग जख्मी हैं, जिनको हम लोगों ने सागर मेडिकल कॉलेज भेजने का काम किया है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हम सभी लोग उस परिवार के साथ हैं, हमारी संतावना है उनके साथ हैं और सागर में भी उनके उचित इलाज की हम सभी लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हम सभी बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो मृत हुए हैं उस बिटिया की आत्मा को और युवा की आत्मा को शांति दे। रहली में हुए वाहन हादसे में मृतक परिजनों को आर्थिक राशि कब तक मिलती है और घायल लोग कब तक स्वस्थ होकर घर पहुंचकर एवं ऐसे हादसों से रहली प्रशासन क्या सीख लेता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रहली।